बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम, आज 23 अप्रैल 2023 है, ईद का दूसरा रोज़ है और हम ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ मिल के बाँट रहे हैं और लोग एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ रहे हैं। वो लोग भी जो इधर उधर कई कई महीने कई कई साल नहीं मिलते, वो भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये हमारे लिए खासकर मुसलमानों के लिए एक बड़ा पुरसरत मौका है। ईद मुबारक कहते हैं और हाल चाल पूछते हैं। आज जब मैं बाहर निकला हूँ, मैं एक जगह गया हूँ जहाँ ब्लाइंड पर्सन नबीना लोग हैं, 8-10 रहते हैं। तो मैंने उनसे ईद मिलने के लिए गया तो मैं हैरान रह गया। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप ईद कोई अच्छी मना रहे हो, कैसे मना रहे हो? उन्होंने कहा जी हर साल हमें ईद पे गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपया महीने के हिसाब से पैसे मिलते हैं, फिर 2,000 रुपया कर दिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने हमारा हक छीन लिया। जो 2,000 रुपये महाना हमारा जाजिया मिलता था वो गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। ये बड़ी हैरत की बात है। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आटा तो बांट रहा है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब वेलफेयर के बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या किया उन्होंने कि जो नबीना लोगों का ब्लाइंड पर्सन का 2,000 रुपये महाना वजीफा था वो छीन लिया। और वो उन लोगों ब्लाइंड पर्सन का कहना है कि ये ज़ालिम हुकूमत का काम है कि उसने हमसे हमारा ये जो मिलता था हमें महाना जाजिया वो छीना है। नाज़रीन इकराम, एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में नबीना अफराद की तादाद 3 लाख से ज़्यादा है और पंजाब में तकरीबन ये 1.5 लाख है। तो अब 1.5 लाख लोगों का जब उनका वो महाना आजादियाँ नहीं मिला तो जी कितने अफसोस की बात है। ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र है, ये उस ब्यूरोक्रेसी का कारनामा है, वो जलालते हैं, जलील रखते हैं जो कि मौजूदा हुकूमत को मशवरे देती है कि जनाब ब्लाइंड पर्सन को पैसे ना दे। मैं फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ब्लाइंड पर्सन के जो महाना आज़ादी है वो बहाल किया जाए और महकमा ज़कात को हुक्म दिया जाए कि वो उन्होंने इस मामले पर उन्हें क्यों नहीं ब्रीफ किया। और ये एक इतनी दर्दनाक अफसोसनाक बात है कि लोग जब दूसरे सुनते हैं वो भी सोच का इजहार करते हैं, बल्कि ब्लाइंड पर्सन नबीना लोगों को तो वैसे लोग अपने तौर पर उनकी मदद करते हैं, उनकी खैर वखरियत दरियाफत करते हैं और घूमते वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए अपने दीगर अखराजात पर लगाती है और इन नबीना लोगों के साथ इन्होंने ये जुल्म कर दिया, तो फिर वो कह रहे हैं कि ये ज़ालिम हुकूमत है। मैं ये कहना चाहता हूँ वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि आप खुदारा फौरी तौर पर उनका पुराना जो आजादियाँ वो भी बहाल करें और उन्हें आइंदा भी आजादियाँ दें ताकि वह आपको ज़ालिम हुकूमत ना कह सकें। ये एक लम्हा फिक्रिया है, हम अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो चलो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट उन्हें डील करती है, महाना आजादियाँ देती है 2,000 रुपया ताकि उनके जो रोज़मर्रा छोटे छोटे काम है वो हो सकें। नाज़रीन कराम, ये बड़े दर्द दिल की बात है। ये लोगों ने माह रमज़ान में तो वैसे बड़े जो साहब सरबत लोग हैं उन्होंने अपने माली मदादे की हैं, लेकिन ब्लाइंड पर्सन जब मैं मिला हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसी दुख और कर में मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि इतनी बर्बरी है तो मतलब कि नबीना लोगों के साथ। तो इस पर मैं बस इसी बात पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि इस फंड को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, नबीना पर्सन का जो फंड है पुराना भी दिया जाए और आने वाला वक्त में भी इसको बंद ना किया जाए। तो मेरी दीगर अफराद से जो मेरे चाहने वाले जो मेरे देखने वाले हैं व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम को आप पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, नवाजिश होगी, फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।